कि एक विश्वासी तब आशीषित होता है जब वो पवित्र आत्मा को अपना शरीर इस्तेमाल करने के लिए अपना जीवन देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पत्रस के पास गए और पत्रस, बाइबल कहती है सारी रात उसने मेहनत की थी, वो एक प्रोफेशनल मछुआरा था। तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसकी नाव को इस्तेमाल किए, लोग ज्यादा थे, यीशु मसीह ने कहा मुझे अपनी नाव दे, मैं तेरी नाव पर चढ़कर लोगों को वचन सुनाऊंगा, लोग मेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, मुझे नाव पे चढ़ा के थोड़ा पानी में ले जा ताकि लोग मेरे ऊपर चढ़े ना। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर गए तो यीशु मसीह ने वचनों को सुनाया और वचन सुनाने के बाद पतरस को बोला, पतरस अब तू अपनी नाव को गहरे में ले जा और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस ने कहा प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया, मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कोई मछली मैंने हासिल नहीं की, तो तू तो मछुआरा नहीं है, तू तो कारपेंटर है, मैं मछुआरा हूं, मैं जानता हूं मछलियां किस समय कहां पर होती हैं, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड मछुआरा हूं, तुझे कैसे मालूम होगा मछलियों के बारे में, अगर मैं नहीं पकड़ सका सारी रात मेहनत करके तो तू भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, गहरे में गया, जाल को डाला, इतनी मछलियां आई उसके जाल फटने लगे, उसने अपने दोस्तों को बुलाया उसके जाल फटने लगे, इतनी ब्लेसिंग थी जो वचन पूरा होता है कि तुम संभाल भी ना पाओगे, तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं होगी। क्यों? जब पवित्र आत्मा को उसका शरीर उसका बिजनेस इस्तेमाल करने के लिए उसने दिया। आप बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं कि एज ए क्रिश्चियन आप चर्च क्यों आते हैं, आप क्यों क्रिश्चियन हैं, आपको परमेश्वर ने अब चंगा कर दिया, किसी को ब्लेस कर दिया, किसी के कैंसर को खत्म कर दिया, अब आगे क्या, क्या परमेश्वर की यही मर्जी थी? नहीं, बाइबल कहती है हम एक युद्ध में हैं, युद्ध हमारा शैतान के साथ अंधकार की शक्तियों के साथ है, और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर उस युद्ध में आपको यूज करेगा और वो इंसान को इस्तेमाल करता है, और जो जो इंसान परमेश्वर के लिए यूज होगा वचन कहता है कि वो उसको दुगना आदर देगा, वचन कहता है कि वो उसको उत्तम दाखरस देगा, उत्तम तेल देगा, सब कुछ उत्तम देगा। एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में आज से रिसीव करोगे वो बेस्ट की कैटेगरी में होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब एक विश्वासी को सिखाया नहीं जाता चर्चिस में कि पवित्र आत्मा को अपना शरीर अपना जीवन अपना बिजनेस देना है ताकि वो उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे मन में वचनों को डाल सके, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल सके, जहां से तुम अपनी मृत्यु से, अपने बिजनेस की मृत्यु, फाइनेंशियल मृत्यु, रिलेशनशिप्स की मृत्यु से तुम बाहर आ सको। हस्बैंड वाइफ तो हैं लेकिन रिलेशनशिप मरे हुए हैं, दुनिया के इंतजाम में इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनको बताओ आपस में मरे हुए हैं। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? जब आप अपनी हर एक चीज से पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के काम को करेंगे, फिर वो आपको वचन देगा, आपके दिल में वचनों को डालेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपको मृत्यु से बाहर निकालेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे और अपना आप तुम पवित्र आत्मा को दोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे घर में मृत्यु के नीचे हो, मौत के नीचे हो, बंधन के नीचे हो, या कमी के नीचे हो, या गरीबी के नीचे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, उन लोग चर्च आ गए, आमीन बोलेंगे, ब्लेसिंग हासिल करेंगे। सिर्फ आपको ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको उससे भी बड़ा काम करने के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा यह चाहता है कि आप लोग उसके माउथ पीस बन के इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति उतना ही आशीषित हो सकता है जितना वो पवित्र आत्मा के लिए काम करेगा, जितना वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करके देगा उतना ही वो इस्तेमाल हो सकता है।